व्हाट्स अप एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल जीनियस क्लासेस, और मैं विपुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। आज मैं बात करने वाला हूं एग्जाम पेपर पैटर्न आपका कैसा आने वाला है, और इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी शेयर करूँगा आप लोगों से। बीकॉम बीबीए वाले इस क्लास को ले सकते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन दोनों दूंगा, ठीक है। शुरू करते हैं, जो लोग फर्स्ट टाइम क्लास पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, देखिएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपसे हिंदी वर्जन के बारे में, जो हमारे पास हिंदी वर्जन में है। सबसे पहले आइएगा, यहाँ देखिएगा। सबसे पहले आप लोग ये पेपर जो पैटर्न है, ये माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी से है मेरे पास। जो बच्चे माँ शाकुंभरी से हैं उनके लिए है ये, ठीक है। और आपको बता दूं, कोई भी यूनिवर्सिटी का बच्चा हो वो इन क्वेश्चन को तैयार कर सकता है, ठीक है, बिकॉज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, 75 मार्क्स का पेपर आता है, 3 घंटे होते हैं। सबसे पहले होता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन नंबर 1, आधुनिक व्यवसाय के प्रमुख लक्षणों का बताइए। दूसरा आता है एक व्यक्ति कंपनी की विचारधारा क्या होती है। तीसरा आता है व्यावसायिक संयंत्र से आप क्या समझते हैं। चौथा आता है संयंत्र अभिन्यास शब्द को परिभाषित कीजिए। और पांचवा आता है युक्तिकरण के उद्देश्य क्या। इन पांचों में से ओनली 3 अटेम्प्ट करना है, सॉरी ये पांचों के पांचों अटेम्प्ट करने हैं, ये आपको पांचों के पांचों अटेम्प्ट करने हैं। 15 नंबर का है ये पोर्शन। फिर आता है शॉर्ट क्वेश्चन का। अब इसके अंदर क्या है, 3 क्वेश्चन दिए हैं आपको, 3 क्वेश्चन दिए हैं ये तीनों। इन तीनों में से 2 अटेम्प्ट करने हैं, एक क्वेश्चन 7.5 नंबर का है, 2 क्वेश्चन हो गए 15 नंबर के। प्रश्न नंबर 6, कारखाना प्लांट फर्म तथा उद्योग में अंतर बताइए। फिर है एक सकल व्यवसाय के गुण बताइए, व्यावसायिक संयंत्र के विभिन्न प्रकार को क्या है। ये हो गया आपका शॉर्ट क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन 1-15 नंबर का होता है, आपको ओनली 2 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं इसमें, 2 नहीं 3 अटेम्प्ट करने हैं, गलत दे रखा है इसको, 15 × 3 आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, लिखा हुआ ना कि नहीं, 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप इन पांचों में से 3 के, जैसे व्यवसाय की विचारधारा क्या है ना, अच्छा क्वेश्चन है। एक नया व्यापार स्थापित करने के लिए प्रमुख किन बातों का विचार किया जाना आवश्यक है। इसके बाद सर्जेंट फाइनेंस द्वारा प्रतिपादित औद्योगिक स्थानीयकरण के आगमन तक सिद्धांत की आलोचना समीक्षा कीजिए। इसके बाद उद्योग को संयोजन की ओर ले जाने वाले प्रमुख कारण क्या हैं। अपने उत्तर को भारतीय परिस्थितियों में उदाहरण देकर समझाइए। एंड 13, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो, सीमित दायित्व साझेदारी और व्यावसायिक इकाई का आकार। तो ये पांचों में से आपको ओनली कितने अटेम्प्ट करने हैं, 3 अटेम्प्ट करने हैं, एंड आपको 15 नंबर आपके खड़े हो जाते हैं। इंग्लिश वर्जन में बात करें, जो लोग इंग्लिश मीडियम से हैं आइएगा, सेम जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 75 मार्क्स का पेपर आता है आपका 3 घंटे के लिए। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 5 ही दिए गए हैं, 5, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो टोटल हो गए आपके 15 मार्क्स। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। क्या क्वेश्चन है, एक तो है स्टेट द मेन फीचर ऑफ मॉडर्न बिजनेस, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ 1 पर्सन कंपनी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिजनेस कॉम्बिनेशन, डिफाइन द टर्म प्लांट लेआउट, ठीक है, लेआउट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ रैशनलाइजेशन। ये पांचों क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में है, जो सिर्फ और सिर्फ आपको 2 लाइन के अंदर लिखने हैं। कितने लाइंस के अंदर लिखना है आपको आंसर, 2 लाइंस के अंदर आंसर लिखना है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन 200 वर्ड में लिखना है, और इसके अंदर से आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं, 6, 7, 8 में से एनी 2। एक क्वेश्चन 7.5 नंबर का है, तो 2 क्वेश्चन हो जाते हैं 15 नंबर के, देख लीजिए। डिफरेंस बिटवीन फैक्ट्री फर्म एंड इंडस्ट्री, तीनों में क्या अंतर होता है। स्टेट क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल बिजनेस, एक सक्सेसफुल बिजनेस की
क्वालिटीज क्या होती हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, ठीक है, बिजनेस कॉम्बिनेशन कितने टाइप्स के होते हैं। इसके बाद आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, 3 अटेम्प्ट करने हैं, 15 गुना 3 45, 45 नंबर के लॉन्ग आते हैं, ठीक है, डिटेल में लिखना है। 15 नंबर का क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, कम से कम 5 से 6 पेजेस पे अटेम्प्ट करना है। व्हाट व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस, एक्सप्लेन द वेरियस स्टेज ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट। नेक्स्ट आता है, व्हाट आर द मेन थिंग टू बी कंसर्न फॉर सेटिंग अप ए न्यू बिजनेस, एक्सप्लेन इन डिटेल। फिर आता है क्रिटिकल टू द इंडस्ट्री थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन प्रमोटेड बाई सरनजीत फॉरन रिव्यू, ये है। एंड फिर आता है व्हाट आर द मेन फैक्टर विच लीड इंडस्ट्री टू वर्ड कॉम्बिनेशन, अडेप्ट योर आंसर टू इंडियन कंडीशन के अंदर आपको आंसर देना है। एंड फिर आता है आपके पास एक्सप्लेन द गिव एग्जाम्पल। नंबर एक लिमिटेड लाइबिलिटी प्रॉपर्टी, इसको शॉर्ट में LLP बोलते हैं, है ना, मैंने आपको वीडियो दी थी उसके अंदर बताया था आपको। एंड साइड ऑफ द बिजनेस यूनिट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आपका, आपको इनमें से कितने अटेम्प्ट करने हैं, 9, 10, 11, 12, 13, और ओनली 5 में से 3 अटेम्प्ट करने हैं और यहाँ पे आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं। तो 5 और 2, 7 और 5, ओनली 12 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। बहुत सिंपल और आसान वे है क्वेश्चन करने का। हिंदी ये रहा, इंग्लिश ये रहा, और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बड़ी ही जबरदस्त क्लास दी है मैंने आपको ये, और इसके अंदर हिंदी इंग्लिश आंसर आज जिसको चाहिए वो गूगल का यूज़ कर सकते हैं, या फिर जिस अपने मॉडल पेपर में टिक करके वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगी है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा, और साथ ही अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ क्वेरी है आपकी, कुछ पूछना है आपको, उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।